हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज मैं ब्लॉग बना रहा हूँ अपने कॉलेज का। ये मेरे साथ संजय भाई, जो के बड़े दिन के बाद मिले हैं। हम दोनों जा रहे हैं आज, लगभग एक साल के बाद जाएंगे अपने कॉलेज। अभी हम कृष्णा कॉलोनी में थे तो उधर से निकले हैं जस्ट बाहर की तरफ। यहाँ से ये जो रोड है ये सीधा कॉलेज रोड जाती है ऊपर के लिए, तो इधर से ही जाएंगे हम। दिखाते हैं आपको अपना कॉलेज जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की हुई है। ये देखिए यहाँ पर ऑटो वगैरह चल रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये शॉपिंग मॉल खुला है नया। ट्रेंड्स है तो पहले का, मतलब अभी वो ज़्यादा अच्छे से इन्होंने फिलअप किया इसको ट्रेंड्स। तो चलिए थोड़ा चलते हैं पीछे की तरफ। ये देखिए यहाँ पर अच्छे से शॉपिंग वगैरह कर सकते हो आप। एक्चुअली नीचे भी है, नीचे भी बी मार्ट, बी वन मार्ट है और बी टू है, विशाल मार्ट भी है। ये अभी नया खुला है। तो ये देखिए यहाँ पे इजी डेज, इजी डे के ऊपर हमारा फ्लैग लगाया हुआ है जो कि लहरा रहा है। तो गजब, मतलब ज़बरदस्त व्यू दिख रहा है यहाँ से। ये देखिए इजी डे को, उन्होंने पहले इतना सही नहीं था, मतलब अभी जस्ट रिपेयरिंग वगैरह की है इन्होंने, तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है अभी। वैसे बंद है अभी तो। यहाँ पर इजी डे है, मतलब कुछ भी चीज़ सामान लेना हो यहाँ पर पैक्ड मिलता है, मतलब हर चीज़ मिल जाती है यहाँ पे। चलिए थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं। तो ये आ गई इंदिरा कॉलोनी। तो यहाँ पे ही मेरा रूम था आगे जाके, इसी गली में रहता था मैं। ये यहाँ से आगे देखिए भाई रेडी लगा के बैठे हुए यहाँ पे। हाँ तो ये है बॉयज हॉस्टल, जो मतलब ग्रेजुएशन करता है यहाँ पे या पीजी वगैरह उनके लिए हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल है ये। और इस साइड है गर्ल्स हॉस्टल। मैक्सिमम लड़के यहीं पे रहते हैं, कुछ होते हैं जो मतलब रूम लेके भी बैठते हैं बाहर, पर मैक्सिमम यहीं पे होते हैं। ये देखिए अभी न्यू ऑटो भी देखे यहाँ पे मैंने, जो मुझे लग रहा है इलेक्ट्रिकल बने हुए हैं। ये गर्ल्स हॉस्टल का ये गेट है, तो यहाँ पे लड़कियों के लिए हॉस्टल बना हुआ है। और इसके अपोजिट में देखेंगे तो ये बॉयज हॉस्टल है, जो कि ये गेट जो जूम करके दिखा रहा हूँ, ये बॉयज हॉस्टल है यहाँ पे। अभी थोड़ा शाम का टाइम हो रहा है, तो इसलिए तकरीबन 5:30 तक टाइम हो गया है, 5:30-6 बजे तक। ये तो फाइनली पहुंच गए हम मतलब अपने कॉलेज गेट के पास। ये देखिए यहाँ पे जो बाइक की स्कूटी लगी हुई है, लड़के खेलने के लिए आते हैं यहाँ पे डेली रात। यहाँ पे लिखा हुआ देखो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ। चलिए चलते हैं अंदर की तरफ, दिखाते हैं आपको अंदर। 3 साल काटे हैं हमने, बहुत ही मज़े लिए हैं इधर, बड़ा अच्छा कॉलेज है। ये देखिए यहाँ पे लड़कियाँ बैठा करती थी, मतलब लड़कियों के लिए ये लॉन बना हुआ था सेपरेट, लड़के यहाँ पे अलो नहीं थे। ये संजय भाई हमारे। चलिए ये आर्ट्स ब्लॉक है, तो पहले हम शुरू करेंगे आर्ट्स ब्लॉक से। इधर हमारी EBS की क्लास होती थी, जो हमने स्किल रखा हुआ था, बाकी आर्ट्स वालों की तो इधर ही लगती थी। एक्चुअली यहाँ पे ब्लॉक बने हुए हैं, जैसे आर्ट्स ब्लॉक हो गया, साइंस ब्लॉक हो गया, मतलब ऐसे ये मेडिकल का अलग है, नॉन मेडिकल का अलग बना हुआ है। काफी पेड़ लगाए हुए हैं यहाँ पे, मतलब अच्छा भी है, पेड़ लगाने चाहिए।
ये देखिए यहाँ से आर्ट्स ब्लॉक, यहाँ पे एग्जाम वगैरह होते थे हमारे, आर्ट्स वालों की क्लासेस लगती थी। रूम नंबर 8, ये अंदर का दिखाते हैं आपको, ये रूम है अंदर, यहाँ पर क्लासेस होती हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस का भी इधर ही डिपार्टमेंट है, तो इसे यहाँ पे लिखा हुआ है जनाब नसीम अख्तर, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन। ये हमारी स्मार्ट क्लासेस थी, यहाँ पे स्मार्ट क्लासेस भी होती थी, और यहाँ पे लगा होता था जो भी हम मार्क्स वगैरह देखने होते थे, अटेंडेंस वगैरह, शॉर्टेज वगैरह, जो भी नोटिस यहाँ पे लगा होता था। तो अभी हम पहुँच रहे हैं, यहाँ पे स्टाफ रूम था, यहाँ पे सारा स्टाफ आके बैठता था, किसी ये लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंट डोगरी इकोनॉमिक्स एजुकेशन, जो भी है सारे स्टाफ इधर ही बैठते थे आके। चलिए आगे चलते हैं हम, जहाँ पे हमारी सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड में क्लासेस होती थी। एक तो क्लास यहाँ भी हुई थी हमारी, यहाँ ऐसे पेपर कंडक्ट करवाते थे यहाँ पे, नीचे हाँ यहाँ पर बैठते थे हम, यहाँ पे बैठते क्योंकि सबसे पहले हमारी जो पहली क्लास थी वो इसी नीचे वाले रूम में, रूम नंबर 20 था वो, उसमें लगती थी। तो अभी ये वाला एक नया बना, नया ब्लॉक बना है, पता नहीं कौन सा है, पर काफ़ी अच्छा है, मतलब दिखने में तो अच्छा लग रहा है। चलिए अंदर थोड़ा देखते हैं रूम वगैरह कैसे बने हुए हैं, ये रूम दिखाते हैं आपको कैसा है। ये देखिए कितना अच्छे से इन्होंने सजाया हुआ, कितना अच्छे से बनाया है, ये नया ब्लॉक बना हुआ है। चलिए नीचे की तरफ चलते हैं थोड़ा, ये देखिए यहाँ पे कोई फैन ऑन करके गया हुआ है, फैन वगैरह भी लगाए हुए हैं यहाँ, तो फैन लाइट कोई ऑन करके चला गया है शायद, या ऐसे ही लगाए हुए हैं पता नहीं। तो जो रूम बने हैं यहाँ पे बहुत अच्छे रूम बनाए हुए हैं, ये हमारी लैब केमिस्ट्री की बी और ए लैब, जहाँ पर मतलब हमारे प्रैक्टिकल होते थे यहाँ पे, ये देखिए अंदर यहाँ पे प्रैक्टिकल होते थे हमारे, ये बी लैब है और इससे ये वाली, ये सी लैब है और ये ए लैब है, यहाँ पे हमारे प्रैक्टिकल्स होते थे केमिस्ट्री के, यहाँ पे केमिस्ट्री का जो भी नोटिस बोर्ड था ये लगा होता था यहाँ पे। ये हमारा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट आ गया, यहाँ पे एचओडी वगैरह स्टाफ जो था केमिस्ट्री का यहीं पे बैठता था। ये देखिए ये उधर से बाहर का व्यू है, थोड़ा काफी अच्छे से इन्होंने पेड़ वगैरह लगाए हुए हैं, जैसे थोड़ी ग्रीनरी ज्यादा हो, ये फिजिक्स का डिपार्टमेंट है। ये देखिए थोड़ा बाहर आके ये ग्राउंड देखिए, यहाँ पे क्रिकेट हम भी खेलते थे, अभी भी लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए आगे जो बिल्डिंग दिख रही है वो हॉस्टल की थी, तो ये लड़के देखो यहाँ पे भी खेल रहे हैं। थोड़ा अब आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ जहाँ पे मतलब मेडिकल वालों की क्लासेस होती थी, ये डिपार्टमेंट जूलॉजी का, थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में तो हमारी भी क्लासेस यहीं पे होती थी ऊपर वाले डिपार्टमेंट में, वो भी दिखाएंगे आपको उधर। अभी चलते हैं थोड़ा लाइब्रेरी की तरफ, लाइब्रेरी बताते हैं आपको आगे जाके कोई लाइब्रेरी भी है, जहाँ पर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते थे हम जाके डेली, हर लैंग्वेज में उर्दू हिंदी और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में यहाँ पे रखा होता था न्यूज़पेपर। ये देखिए पेड़ है, इसका नाम क्या है, ये लाइब्रेरी, अभी तो सारा पूरा बंद हो चुका है क्योंकि शाम का टाइम है, 6 बजे हुए हैं, तो अभी तो काम खुला होगा। चलिए यहाँ पे
यहाँ पे लगती थी बॉटनी जियोलॉजी की क्लासेस, और डिपार्टमेंट का भी नहीं का यही था। तो अब चलते हैं थोड़ा ऊपर की तरफ, जहाँ पे सीढ़ियाँ नई बनी हुई हैं, वो ऊपर हमारी क्लासेस वगैरह लगती थी यहाँ पे। थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर के बाद यहीं पे क्लासेस लगी हैं हमारी। ये देखिए यहाँ पे बैठते थे हम, यहाँ पे बैठने के लिए रखे होते थे। अभी इन्होंने मुझे लग रहा कुछ नया बनाएंगे यहाँ पे, तो कुछ बना रहे हैं यहाँ पे, एक और वो बना देंगे, रूम वगैरह बना देंगे या कुछ बैठने के लिए बनाएंगे शायद, लग रहा मुझे कुछ। ये इधर से बाहर का जो व्यू है, पेड़ काफ़ी ज़्यादा लगाए इन्होंने, जिसकी वजह से हरियाली वगैरह और हवा अच्छी आती है। ये रूम नंबर 25, तो जो सेक्शन थी शायद बी थी या कौन सी थी, उनका यहाँ पे क्लासेस होती थी। हाँ, तो ये अच्छा रूम, बड़े अच्छे थे यहाँ पे बैठने के लिए। ये है रूम नंबर 24, यहाँ पर हमारी क्लासेस होती थी, सेक्शन ए की होती थी शायद। तो ये भी रूम काफ़ी अच्छे से इन्होंने रखे हुए हैं। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। ये 23 रूम नंबर है, यहाँ पर मेडिकल वालों की होती थी एक क्लास, सेक्शन बी वालों की। चलो अब आपको दिखाते हैं हम फिशरी लैब। तो ये आ गए जो फिशरी के बच्चे थे उनके लिए ये लैब, और यहीं पे उनकी क्लास वगैरह भी चलती थी, जो फिशरी की एक ही क्लास होती थी, तो इसलिए क्योंकि बच्चे भी बड़े कम थे फिशरी में। तो ये देखिए भाई अभी मछली और परिंदे भी चेक रहे हैं तो। इधर बाहर का व्यू थोड़ा, ये बैकग्राउंड है यहाँ पे, थोड़ा शाम का टाइम हो गया, ज़्यादा तो वीडियो उतना सही तो नहीं है, पर फिर भी कोशिश करूँगा अच्छे से दिखाने की। चलिए नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम अक्सर बैठा करते थे, मतलब हमारी क्लास खत्म होती थी तो अभी भी थोड़ा बैठ लेंगे, थोड़ा बैठ के थोड़ा आराम करेंगे, फिर चलेंगे थोड़ा आगे की तरफ। तो अभी हम आगे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की तरफ, यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल बैठते थे, और जो भी हमारी मार्कशीट्स वगैरह पूरा डेटा यहीं पे होता था हमारा। अभी एक डिपार्टमेंट और रह गया ज्योग्राफी का, पर अभी टाइम ज़्यादा हो गया तो उसको नहीं दिखाऊँगा मैं। तो चलिए अब बाहर की तरफ चलते हैं, थोड़ा बाहर काम भी है हमें तो निकलना है। तो आगे हम गेट पे चलते हैं गेट से बाहर। चलो थोड़ा उस साइड से जा रहे हैं हम, तो आपको भक्त सिंह, शायद भक्त सिंह पार्क भी दिखाते हैं, जो कि भक्त सिंह के नाम पे बना हुआ है। यहाँ पे फास्ट फूड की रेडी लगती है, पानी पूरी वाला भी होता था पर अभी नहीं है। ये भी यहाँ पे नया है, खुला है रॉयल ग्रिल्स, यहाँ पर भी शॉपिंग वगैरह। तो ये है भक्त सिंह पार्क। चलिए छोटा सा पार्क बनाया हुआ है यहाँ पे, सही है, रोज लोग यहाँ पे आते हैं मतलब थोड़ा टहलने के लिए। एक दो पार्क और हैं उधर, वो थोड़े बढ़िया वाले हैं, बढ़िया नहीं मतलब थोड़े बड़े वाले हैं, तो उधर भी जाऊँगा कभी। ये उनकी मूर्तियाँ बनाई हुई हैं यहाँ पे, भक्त सिंह
ये देखिए साथ में नहर है जो कि यहाँ से निकाली गई आगे की तरफ, तो अभी तो नहर में पानी है। तो ये रहा भगत सिंह पार्क। तो अभी वीडियो भी लंबी हो गई है तो टाइम भी ज्यादा हो गया, तो चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए